ये देख सकते हैं, मेरे स्वच्छ भारत का एम्बेसडर है। साइकिल वाले का रिएक्शन देखने लायक था दोस्तों। तो मैं फिलहाल अभी जा रहा हूँ वही पुराने अपने अड्डे पे, जहाँ पर मैं जाकर के अक्सर वीडियो शूट करता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आज के इस ब्लॉग में। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ। अरे यार, यहाँ पे आज नहीं रुक सकता क्योंकि यहाँ पे कुछ काम हो रहे हैं। चलिए फ्रंट से जाके देखते हैं क्या काम हो रहा है। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने अड्डे पे, जिसके बारे में मैंने आपसे वीडियो में शुरू में जिक्र किया था, और आप ये अड्डा देख करके समझ गए होंगे लोकेशन। तो चलिए जल्दी जल्दी आप कमेंट में बता दें कि इस जगह का नाम क्या है। और सबसे पहले स्वागत है दोस्तों आपको एक बार फिर से हमारे इस नए ब्लॉग वीडियो में। मैं हूँ देवराज और आप देख रहे हैं देवराज सरवन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों चलिए, जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि मेरा गाँव में जो पूजा होने वाला है जगदम्बा मंदिर में, जो कि मेरा गाँव का कुल मंदिर है, तो वो सम्पन्न हो चुका। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वहाँ के कुछ वीडियो को। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में मेरे गांव के कुछ महानुभव हैं। तो चलिए मैं बैक कैमरे से दिखाता हूं आपको। और दोस्तों जैसा कि आपने टाइटल पर आज देखा कि लास्ट डे इन माय विलेज, तो आप ये मत सोचना कि मेरा गांव में लास्ट दिन है, इसके बाद मैं गांव कभी नहीं आऊँगा। दोस्तों गांव में लास्ट दिन कहने का मतलब ये है, आप वहाँ पर स्पेस में देख सकते हैं लिखा हुआ है जून 2019। तो मैं बता दूं आपको कि जून 2019 में ये मेरा आज लास्ट दिन है गांव का। तो मैं सोचा चलो अपने इस उड़न तस्करी के साथ कहीं चलते हैं शहर पे और कुछ करते हैं एंजॉय, क्योंकि पटना तो मैं इस उड़न तस्करी को ले जा नहीं सकता। और उड़न तस्करी दोस्तों, इसका कल वाले वीडियो में मैंने जिक्र किया था, अचानक जुआ पर आई ये नाम और मैंने कैमरे के सामने रख दिया। तो आज से ये मेरी उड़न तस्करी है, देख सकते हैं ब्लू कलर की, ब्लैक कलर की। जैसे कि हमने आपको शुरू में कहा था कि आज यहाँ पर शायद कुछ काम चला, लेकिन काम नहीं चला दोस्तों। आप यहाँ पर बैकग्राउंड में देख सकते हैं, इधर कुछ मजदूर भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पर नदी में स्नान कर रहे हैं और अपने शाम को एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं भी अपने शाम को एंजॉय करने आया हूँ अपने इस उड़न तस्करी के साथ। यहाँ से काफ़ी दूर है, आप देख सकते हैं एक ऑटो वाला वहाँ रुके हैं और सारे मजदूर भाई जो हैं जा रहे हैं, सारे नहीं कुछ ही गए, कुछ हैं दोस्तों। वैसे मैं आपको यहाँ का सनसेट वाले वीडियो दिखा चुका हूँ, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं कि यहाँ का सनसेट कैसा दिखता है। दोस्तों गर्मी के मौसम में इतने ठंडे ठंडे हवा चले और साथ में जुगाड़ हो, तो फिर शाम कटने का मज़ा ही कुछ और है। तो फिलहाल मैं लाया हूँ अपने साथ में कुछ लीची और कुछ कुछ नहीं, सिर्फ एक आम लाया हूँ और कुछ लीची यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक बोतल पानी लाया हूँ। तो चलिए यहाँ पर पत्थर पे, पहाड़ पे बैठ करके, पहाड़ नहीं बोलूँगा छोटा सा पत्थर है, वहाँ पर बैठ करके इंजॉय करते हैं अपने शाम को और कुछ बातें करते हैं आपसे। तो फिलहाल मेरा फ़ोन डिस्चार्ज होने वाला, लेकिन दोस्तों तोड़ इंसान के पास सब चीज़ की होती है। टेक्नोलॉजी एक ऐसा साधन है दोस्तों, आपके उठते बैठते सोते खाते पीते हर जगह आपका मदद करती है। आप क्या राय देते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों आप जैसे कि यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, एक पुल के नीचे जो है एक ट्रक पड़ी हुई है। और चलिए मैं वीडियो जूम करता हूँ सबसे पहले। तो ये जो ट्रक है ये लगभग वर्षों से अर्थात लगभग 5 या 4 या 5 वर्षों से पड़ी हुई है नीचे, एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंटल केस है ये। तो चलिए इसके बारे में कुछ वाकया है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। दोस्तों इन्हीं चंद लोगों के कारण हमारा जो देश बदनाम हुआ पड़ा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना अच्छा दृश्य है, यहाँ पर हम लोग आते हैं और कई सारे आदमी यहाँ पर आते हैं, और ये बंदा आप देख सकते हैं साइकिल बगल में खड़ा करके नीचे ही शुरू हो गए हैं, जो कि काफ़ी गलत बात है। तो चलिए बात करते हैं इस
ट्रक के बारे में। दोस्तों अभी मैं इस ट्रक के बारे में जो आपको बताने वाला हूँ ये भी मेरे कानों सुना है और आंखों देखा नहीं है और ना ही मैं खुद एनालाइज़ किया हूँ। तो दोस्तों मैं भी ये सुना हूँ। हुआ ये था कि आज से लगभग वर्षों पहले, मतलब 4 या 5 साल पहले, एग्जैक्ट ईयर नहीं पता है मुझे और मैं सुना हूँ बस 4 या 5 साल पहले फ़िलहाल। तो क्या हुआ था कि वासुकीनाथ से आ रहे थे, ये बिल्कुल ट्रक जो है पूरा नया था और ट्रक के एक ड्राइवर भी था और एक खलासी भी था जो कि उपचालक हम लोग कहते हैं हिंदी में, और आपको बता दें इंग्लिश में स्टाफ कहते हैं शायद, पता नहीं जो भी कहते हैं। और आपको बता दें कि ये सब वासुकीनाथ से पूजा करके आ रहे थे, तो जो ट्रक का मालिक है, जो ऑनर है, उन्होंने कहा कि भाई दो मैं खुद ड्राइव करके आता हूँ। और आपको बता दें कि इधर से जो आते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले यहाँ पर रोड ब्रेकर्स नहीं था इस पुल के पास जो कि फ़िलहाल है, आप देखे होंगे इस वीडियो के शुरू में, और वो अचानक आए वहाँ से बैलेंस बिगड़ गया और डायरेक्ट इस पुल में जा करके, समझ सकते हैं आप, जिसमें कि ड्राइवर का जो कि गाड़ी नहीं चला रहा था और जो गाड़ी का मालिक है वो गाड़ी चला रहा था, वो दोनों का एक्सपोर्ट डेट हो गया और फिर जो उपचालक थे वो बच गए। हालांकि उनको भी चोटें आई लेकिन बाद में फिर वो उनको उपचार किया गया उनका, तो वो बच गए। और तब से लेकर के आज तक ये जो ट्रक है यहीं पे पड़ा हुआ है और फिलहाल न ही इसे कोई ले जाता है और न ही इसका कुछ इंश्योरेंस वगैरह है कि नहीं पता नहीं, मैं बता नहीं सकता, लेकिन जितना मैं जानता था उतना आपको बता दिया। ये देख सकते हैं मेरे स्वच्छ भारत का एम्बेसडर है जिनके बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था। साइकिल वाले का रिएक्शन देखने लायक था दोस्तों, अभी तक घूम घूम के देख रहे थे, मैंने कैमरा ऑन किया तो वो शायद नहीं देख रहे इधर। दोस्तों ट्रक के बारे में एक और बात जो मैंने बताना भूल गया, तो वो ट्रक जो था उस दिन पूजा करके आ रहे थे वासुकीनाथ मंदिर से, और ट्रक में कुछ माल थे, कुछ सामान थे, गुड्स थे कुछ, जो कि सारा लूटा गया था एक्सीडेंट के दौरान, और पूजा करके आ रहे थे, नया नया ट्रक था। तो बस यही है, यही वाक्य है दोस्तों इस ट्रक का। तो दोस्तों मुझे जाना चाहिए वापस अपने घर, और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज लास्ट डे है मेरे विलेज में, तो मैं इसके बाद क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा। तो दोस्तों आपको बता दूँ कि इसके बाद मैं कल 5 जून को वेडनेसडे को मैं जाने वाला हूँ पटना, तो देखते हैं कल का ब्लॉग क्या होता है। और फिलहाल दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड। डिस्क्रिप्शन मैं जब भी हड़बड़ा के बोलता हूँ तो डिस्क्रिप होता है भाई, धीरे धीरे होगा सब।